आदमी सही हूँ मैं. लाइक आई रियली वॉन्ट टू हैव अ बेबी गर्ल, यू नो, एंड आई रियली होप शी टर्न्स आउट टू बी लेस्बियन, यू नो. आई थिंक दैट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन टू अ फादर, यू नो. ना घर में बेटी की कमी होगी ना बहू की. For Rajesh Kumar. Thank you so much. Hello. Hello. You're so nice. So my name is Rajesh Kumar, and talking about my background, I do not come from any humble background. We were poor and arrogant. मैं दिल्ली से आया हूँ. From a place called Kapaseda border. And this is an actual border. You know, we call it border of aspiration. When people in Kapaseda start doing well in life, we cross it and move to DLF Gurgaon. वैसे Kapaseda भी अच्छी जगह है. लोग बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं, बड़े रिलीजियस है. लाइक हमारे यहाँ कोई भी भगवान की झूठी कसम नहीं खाता है, क्योंकि आपको पता है भगवान की झूठी कसम खाने से भगवान मर जाते हैं, यू नो. इसलिए कोई भी भगवान की झूठी कसम नहीं खाता. एवरी वन स्वियर्स ऑन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नेजरेथ, क्योंकि वो हमारे हैं नहीं. लाइक आपको पता है जो लोग ड्राइव करते होंगे गाड़ी, उनको पता होगा कि आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मैंडेटरी है. यही बात मैंने अपने ताऊ को बताई, उन्होंने पुरानी वाली पे साईं बाबा के स्टिकर लगा लिए. कहते हैं करेंगे बाबा हमारी रक्षा. बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे मतलब मर्दों की ज़्यादा चलती है, औरतों की सुनते नहीं है. एक छोटी सी कमी है. लाइक एवरी वन, यू नो, पीपल एजुकेट देयर सन्स, मेक देम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, एंड देन दे लीव देयर डॉटर्स टू बिकम टिकटॉकर्स, यू नो. व्हाट अ शेम, यू नो. आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आए दिन झगड़े होते रहते हैं. दो दिन पहले ही एक पति अपनी पत्नी को एकदम धमकाया जा रहा था कि तेरी जो औकात है ना मेरी जूती के नीचे है, तेरी जो जगह है ना सिर्फ किचन में वो खुद ढाबे में काम करता है. उनके घर में खाना बनता भी नहीं है, वही लाता है शाम को लच्छे पराठे अपने कच्छे में डाल के. कितने ग्रोस हो आप लोग. इट्स वेरी सैड. लाइक पता है मुझे टेक्नोलॉजी का आजकल लोगों को बड़ा शौक है. मैंने अपनी ताई को बताया, ताई पता है आपको एक गूगल असिस्टेंट नाम की चीज़ होती है, उसको कुछ भी कहो वो कर देता है, यू नो, लाइट ऑन करना है लाइट ऑन कर देता है. तो बेटा हमारे यहाँ तो उसे बहू कहते हैं. बहू पानी लइए. मैं कहा बिस्कुट भी लइए. अजीब है. लाइक और एक बात बताऊँ मैं, सबको घरेलू बहू चाहिए, पता नहीं क्या शौक है, यू नो. एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर हाउस होल्ड गर्ल. और आजकल घरेलू लड़कियाँ मिलती भी नहीं है, यू नो. आजकल तो सब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं. कुछ तो इतने पागल है, वो पिछले साल घरेलू बहू खोजने के लिए होम साइंस स्टूडेंट की कैंपस प्लेसमेंट पहुँच गए. उनको लगता है होम साइंस वाले यही करते हैं. वहाँ तो ही ना होता उनके फेयरवेल, वहाँ तो होती है विदाई. बट कुछ लोग क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं. तो हमारे सोनू भैया ने कहा कि नहीं, मुझे हाउस होल्ड लड़की नहीं चाहिए, मैं पढ़ी लिखी लाऊंगा. तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से शादी कर ली. बट वो उससे भी घर का ही काम करवाए जा रहे हैं. वन डे शी गॉट सिक ऑफ देम. शी टोल्ड देम कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इसलिए नहीं ताकि मैं आप लोगों की रोटियाँ बेल सकूँ. अब वो घर के पंखे ठीक करती है. बट डोंट जज मी, माई फैमिली इज नॉट लाइक दिस. माई फैमिली इज कंट्रोल्ड बाई माई मदर. And she is very powerful in the family. And I will explain how powerful she is. Like मैं हमारे घर में बड़ी मुश्किल से दो महीने पहले एक ए सी आया था. वो ए सी भी किचन में लगा हुआ है. एवरी टाइम आई एम देयर किचन प्रिटेंडिंग टू हेल्प हर. यू नो पता है कुछ कभी कभी मुझे पोलिटिकली इनकरेक्ट थाट्स आते हैं. आपको आते हैं विच यू डोंट वॉन्ट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. लाइक रिसेंटली लाइक आई हैड अ फीलिंग दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग with domestic fights in the same weight category. You know, the problem with domestic fights is that women are at the receiving end of it all the time. Hamesha, matlab, auraton ko hi pitai padti hai. Isliye bura lagta hai, right? Kabhi bhi akhbar khol lo, kabhi bhi ye sunne ko nahi milega ki dampatti ke beech mein hui nok-jhok aur pati ko aayi gambhir chot. And that's why it's sad. Aur aisa bhi nahi hai ki auratein kamzor hoti hain. Ma'am, jaise aap do, teenon to peeti doge mujhe. You know, like for every strong man, there's a stronger woman who can whoop his ass. But शादी के समय ये logic नहीं चलता आप लोगों का. You know, like we choose partner which
we think we can beat the shit out of her. But you choose your partner thinking, oh, this person is going to protect me for the rest of my life. फिर वही रक्षक भक्षक बन जाता है. क्यों लोग कहते हैं कि ये जो जोड़ियाँ होती है भगवान ने बनाई है. अगर भगवान ने जोड़ियाँ बनाई है तो कलेश क्यों हो रहे हैं? सारी गलती तो भगवान की है. और ये कैसी जोड़ी है जिसमें पत्नी हमेशा लड़के से हाइट में छोटी, पढ़ी कम पढ़ी लिखी. यू नो लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं. जैसे मान लो आप तो ठीक हो. जैसे आप किसी कुपोषित से शादी कर लो, घर में कभी कलेश होगा भाई? होना ही नहीं है. इसीलिए कुपोषित से शादी करना चाहिए. दैट्स द लॉजिक ऑफ द डे. आप तो नहीं हरा पाओगे, आपके घर में कलेश नहीं हो रहा है ना. वो दिख रहा है मुझे. तो एंड यू नो मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब पीपल एक्सेप्ट वट एवर इज हैपनिंग टू देम. लाइक सम वेमेन आर लाइक, हमारा पति हमको मारता है तो क्या हुआ, हमको प्यार भी तो करता है. हम लाइक इंडिया में सेल्फलेस लव का कंसेप्ट ही नहीं है. जब तक चूतिया ना कटे तब तक लोगों को लगता ही नहीं प्यार हुआ है. अगर कोई प्यार से प्यार कर दे तो लोग फ्रेंड जोन कर देते हैं. मैं कह ये एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन एनी वन हैव द कॉन्फिडेंस टू बीट समवन हु कैन ईजिली पॉइजन योर फूड. I will never raise my hand on my wife or my maid. If I ever did that, I'll be scared for the day. I will be paranoid. क्या कर रही हो भैया? ये खाने में क्या मिला रही हो? ये रस्सी लगे कहाँ जा रही हो? बेबी आज खाना नहीं बनाएंगे, आज और जोमेटो से ऑर्डर करेंगे. कब तक? जब तक आपका मूड शांत ना हो. It's very sad. I think जो भी गलत हो रहा है women के साथ, I think वेमेन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. लाइक मेरी मम्मी मुझे को बोलती है कि बेटा लड़कियों को ना चुंगल में रखना चाहिए, चुंगल में. और फिर वो मुझे लंबी लंबी लड़कियाँ दिखाती हैं, इसे शादी कर ले. मम्मी ये तो चुंगल में नहीं आएगी, थोड़ा 2-3 फीट वाली दिखाओ, मिजट से मिजट साइज में. पीपल वॉन्ट मी टू बी फेमिनिस्ट. I don't know if it's a good thing or a bad thing. You know, people say feminism is about equality, not just for women, but also for men. पता है गांधी जी इतने पतले से थे, even that guy was like कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए. और आप कह रहे equality दे दो भैया. You know, if I were a woman, I will not fight for equality. I will fight for matriarchy. I want equality and incentive. I will fight for equality and ladies discount. Not just on Women's Day. तो वहाँ से like लोग कहते रहते हैं कि बेटा लड़कियों को ना छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. मैं कह बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए. फिर लोग खुद बोलेंगे बेटा कुछ तो कपड़े पहने लो. ऐसे नंगे नहीं चलना चाहिए. आप लोग मुझे जज करोगे, पता नहीं कितना घटिया आदमी है. आदमी सही हूँ मैं. लाइक आई रियली वॉन्ट टू हैव अ बेबी गर्ल, यू नो, एंड आई रियली होप शी टर्न्स आउट टू बी लेस्बियन, यू नो. आई थिंक दैट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन टू अ फादर, यू नो. ना घर में बेटी की कमी होगी ना बहू की. तो चंडीगढ़ गॉट वन रीजन टू सपोर्ट LGBTQ. ऐसा नहीं है कुछ लोग को चाहिए नहीं मुझे अच्छे बेबीज चाहिए, अगली बेबीज नहीं चाहिए. नो, आई एम नॉट लाइक दैट. आई एम नॉट रेसिस्ट. आई रियली वॉन्ट टू हैव अगली बेबीज. आई थिंक दे आर द बेस्ट. आई थिंक द प्रेशर फॉर अगली बेबीज टू डू वेल इन लाइफ कम सो नेचुरल टू देम. यू डोंट हैव टू स्कोल देम बेटा पढ़ाई कर लो. आपका बच्चा खुद बोलेगा व्हाट अदर ऑप्शंस डू आई हैव फादर. I'm not making assignments, I'm making friends. Hi, thank you so much for watching this video. If you like this video, then please share it with your friends and family. And if you didn't like this video, then be a good human being and share the video. And be part of my very small and loving community.
by subscribing to this channel. Thank you.